बाप का नाम, जय सियाराम जय सियाराम। अरे मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय सियाराम जय सियाराम। अरे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अरे धर्म के गद्दारों को गोली मारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आका हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इरशाद फरमाया, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, मेरे महबूब हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। इसी तरह कुरान मजीद में आका हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। और इसी तरह कुरान मजीद में एक और मकाम पर आका हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। और इसी तरह कुरान मजीद में आका हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुरान मजीद में एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। और इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की शान में एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अलगरज अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान मेरे नबी के ज़िक्र को बुलंद कर रहा है, मेरे नबी की शान को बुलंद कर रहा है, मेरे नबी की रिफ़तों को बुलंद कर रहा है, मेरे नबी की अज़मत को बुलंद कर रहा है। फरमाए, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, मेरे महबूब हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। जिस नबी के ज़िक्र को अंबिया करते थे, जिस नबी का ज़िक्र फरिश्ते करते हैं, जिस नबी का ज़िक्र औलिया करते हैं, जिस नबी का ज़िक्र जिन्नात करते हैं, जिस नबी का ज़िक्र इंसान करते हैं, जिस नबी का जिक्र नबातात करते हैं, जिस नबी का जिक्र हैवानात करते हैं, जिस नबी का जिक्र जमादात करते हैं, जिस नबी का जिक्र परिंदे भी करते हैं, चरिंदे भी करते हैं, उस नबी के जिक्र को, उस नबी की शान को, उस नबी की अजमत को घटाने के लिए ये हिंदू जो गाय का पेशाब पीने वाले हैं, ये क्या इनकी नस्लें भी निकल आएं वो भी मेरे नबी की शान को कम नहीं कर सकती। इनका बाप अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, आज तक उनका नामो निशान भी नहीं है इस दुनिया में, उनके नामो निशान मिट गए हैं। और दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट गए थे, मिटते रहेंगे, और कयामत तक मेरे नबी की शान बुलंद होती रहेगी, कयामत तक मेरे नबी का जिक्र बुलंद होता रहेगा, कयामत तक मेरे नबी की अजमत बुलंद होती रहेगी। और दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका नाम भी मिट जाएगा, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।